हेलो एंड वेलकम टू SOL रिपोर्टर, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर SOL स्टूडेंट्स। कल रात से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, इसके अलावा काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए हैं, जिसमें स्टूडेंट्स ये बता रहे हैं कि उनके पास इस तरह का एक गूगल फॉर्म का लिंक आया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो गूगल फॉर्म है वो SOL एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रिलीज़ किया गया है, और इसमें यह पूछा जा रहा है कि आप जो अपने एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड में करवाना चाहते हैं या ऑफलाइन मोड में करवाना चाहते हैं, या इसी तरह से आपके जो क्लासेस हैं वो आप ऑनलाइन मोड में करवाना चाहते हैं या ऑफलाइन मोड में करवाना चाहते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी आ रही है कि क्या ये जो गूगल फॉर्म है वो एक रियल फॉर्म है या किसी तरह का एक फेक फॉर्म है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने SOL के एडमिनिस्ट्रेशन से कॉन्टैक्ट किया, तो उनकी तरफ से ये साफ रिप्लाई आया है कि SOL की तरफ से कोई भी इस तरह का फॉर्म रिलीज़ नहीं किया गया है, जिसमें वो स्टूडेंट्स से ये ओपिनियन पूछ रहे हैं या पूछ रहे हैं उनसे कि उनको अपने एग्ज़ाम या क्लासेस ऑनलाइन मोड में करवानी है या ऑफलाइन मोड में करवानी है। तो इस बात को मैं दोबारा क्लियर कर दूं कि SOL के डिपार्टमेंट की तरफ से या SOL के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस तरह का कोई भी फॉर्म रिलीज़ नहीं किया गया है, और उनके द्वारा साफ कहना है कि जो भी इस तरह का अगर कोई फॉर्म इन फ्यूचर अगर रिलीज़ किया भी जाएगा तो वह SOL की वेबसाइट पर होगा, इस तरह से कोई भी लिंक सर्कुलेट नहीं किया जाएगा। लेकिन ये जो लिंक है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कई यूट्यूबर से मिला या फिर कई व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस लिंक को सर्कुलेट किया जा रहा है, तो इस बात को मैं फिर से क्लियर कर दूँ कि ये कोई ऑफिशियल फॉर्म नहीं है SOL के डिपार्टमेंट के द्वारा या SOL के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, इस तरह का कोई भी फॉर्म रिलीज़ नहीं किया गया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि SOL के जो कोई HOD है उन्होंने बोला इस तरह के फॉर्म को क्रिएट करने के लिए, तो मैं आपको कहूँगा अगर आपकी इच्छा तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मेरी बात सिर्फ इतनी है कि SOL के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इस तरह का कोई भी फॉर्म फिल नहीं करवाया जा रहा, तो आप इस फॉर्म को ये मान के फिल ना करें कि ये कोई ऑफिशियल फॉर्म है, ये कोई ऑफिशियल फॉर्म नहीं है। अगर आपकी इच्छा तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, आपकी इच्छा नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आपको फिल करना ही है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इस लिंक को इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन फिर से मैं आप एक बात क्लियर कर दूं, ये कोई ऑफिशियल फॉर्म नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि SOL के डिपार्टमेंट के द्वारा ये फॉर्म फिल करवाया जा रहा है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक नोटिस मैंने पहले आपको दिखाया था जिसमें ये क्लियर कर दिया गया था कि DU के अंदर जितने भी एग्ज़ाम होंगे वो उसका मोड क्या होगा। अभी एक चीज़ मैं यहाँ पे दोबारा से क्लियर कर दूं कि SOL जो है वो कोई इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी नहीं है, SOL जो है सिर्फ एक डिपार्टमेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। तो SOL के अंदर जो भी डिसीजन लिए जाएंगे कि आपके एग्ज़ाम कैसे लेने हैं, किस मोड में लेने हैं, आपकी क्लासेस किस मोड में लेनी है, वो सिर्फ SOL का डिपार्टमेंट तय नहीं करता, वो जो है DU का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके द्वारा तय किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो DU के द्वारा नोटिस निकाला गया था, ये नोटिस पहले सिर्फ और सिर्फ DU की वेबसाइट पर था, लेकिन अब ये नोटिस जो है SOL की वेबसाइट पर भी आ गया। आप SOL की वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी वेबसाइट पर जाएंगे और इंपॉर्टेंट नोटिस के सेक्शन में ये पहला नोटिस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग मार्च अप्रैल 2022 एग्जामिनेशन एंड ऑनवर्ड्स, और यहाँ पे आपको ये नोटिस साफ साफ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस नोटिस में साफ साफ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, अगर SOL के स्टूडेंट्स की बात करें तो SOL के जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम ऑनलाइन OBE मोड में होंगे मार्च में, इसी तरह से जो सेकेंड फेज के एग्जाम है थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के उनके भी एग्जाम ऑनलाइन मोड में होंगे मार्च के अंदर, लेकिन जो मई में एग्जाम होने वाले हैं उसके बाद जो एग्जाम होने वाले हैं जैसे फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के एग्जाम मई में होने, तो वो एग्जाम जो है आपके ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करवाए जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक क्वेरी आ रही है कि जो DU के रेगुलर कॉलेजेस हैं उनके लिए नोटिस है, SOL के लिए नोटिस नहीं है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, SOL की वेबसाइट पे भी नोटिस आ गया, तो मैंने आपको पहले ही बताया था ये जो नोटिस है वो SOL के लिए भी है, रेगुलर के लिए भी है और NCVAB के लिए भी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे हैं कि रेगुलर के अंदर तो कम स्टूडेंट्स हैं तो उनके एग्जाम ऑफलाइन लिए जा सकते हैं, लेकिन SOL के अंदर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं तो क्या ये पॉसिबल है कि वो ऑफलाइन एग्जाम ले लें। तो देखिए अभी के अकॉर्डिंग जो नोटिस है उसके अकॉर्डिंग ये साफ बता दिया गया है कि SOL के एग्ज़ाम भी फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के जो मई में होने वाले हैं वो ऑफलाइन मोड में होंगे। अब ये मोड जब भी चेंज हो सकता है, अब बेसिकली दो कंडीशन मुझे लग रही है कि इन दो कंडीशन में आपको हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन करवा दिए जाएँ। एक कंडीशन तो ये है कि मई में आपके एग्ज़ाम होने के पहले अगर कोविड के केसेस इंक्रीज़ होते हैं तो उस केस में हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन करवाए जाएँ। इसके अलावा दूसरी कंडीशन ये हो सकती है क्योंकि SOL के अंदर सच में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है, दो से 3 लाख स्टूडेंट्स अगर फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर को मिला लें तो इतने स्टूडेंट्स को ऑफलाइन एग्जाम में अकोमोडेट करना इतना ईजी नहीं है। तो अगर इन बाई चांस अगर SOL का डिपार्टमेंट जो है इतने लॉजिस्टिक्स को मैनेज नहीं कर पाता तो उस केस में भी हो सकता है कि आपके ऑनलाइन एग्जाम करवा लिए जाएँ। लेकिन अभी के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो हैं वो मई में होंगे और वो ऑफलाइन मोड में होंगे, और DU की तरफ से या SOL की तरफ से इस तरह का कोई भी फॉर्म रिलीज़ नहीं किया गया है। हो सकता है किसी डिपार्टमेंट के किसी टीचर ने बोल दिया हो ये फॉर्म रिलीज़ करने के लिए या ये फॉर्म क्रिएट करने के लिए, तो उसके रिगार्डिंग मेरे को कोई आइडिया नहीं है, लेकिन SOL के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या SOL के डिपार्टमेंट की तरफ से इस तरह का कोई भी फॉर्म रिलीज़ नहीं किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये भी क्वेरी आ रही है कि हमारे जो एग्ज़ाम हैं अगर वो ऑफलाइन मोड में होते तो अब फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर का भी एडमिशन भी नहीं हुआ है, अभी हमारी क्लासेस भी स्टार्ट नहीं हुए हैं, इसके अलावा जो हमारा स्टडी मटेरियल है वो भी हमें नहीं मिला है,
फोर्थ सेमेस्टर का तो स्टडी मटेरियल वेबसाइट पे अवेलेबल अवेलेबल है, लेकिन जो सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनका स्टडी मटेरियल भी अभी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। तो इस ऐसी कंडीशन में ऑफलाइन एग्जाम कैसे ले सकते हैं? तो बिल्कुल ये बात सही है आप लोगों की, आपके ना ही एडमिशन हुए, ना ही क्लासेस हुए, ना ही स्टडी मटेरियल मिला है, और सिक्स सेमेस्टर का स्टडी मटेरियल तो बनाया भी नहीं गया है। तो इस कंडीशन में ऑफलाइन एग्जाम कैसे ले सकते हैं ये लोग? लेकिन जो भी के लिए अपडेट है, मैं सिर्फ वो अपडेट आप तक पहुंचा रहा हूँ। आपकी इच्छा है, आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हो तो इसको बिल्कुल फिल करें, लेकिन बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि ये जो फॉर्म है वो कोई ऑफिशियल फॉर्म नहीं है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपकी इच्छा हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी जो भी अपडेट्स होगी एग्जाम के रिगार्डिंग, कोई ऑफिशियल अपडेट आती है तो उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म करूंगा, लेकिन अभी के लिए अपडेट यही है कि ये फॉर्म कोई ऑफिशियल फॉर्म नहीं है। आपकी इच्छा तो इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्म को आप ऑफिशियल मान के फिल ना करें। इसके अलावा जो ये नोटिस है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एसएल के स्टूडेंट्स के लिए भी है, और अभी के लिए जो अपडेट है वो यही है कि एसएल के एग्जाम जो है फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के, वो भी ऑफलाइन मोड में ही कंडक्ट करवाए जाएंगे। बाकी अगर कोई फॉर्म इस तरह का आता है और आपको देखना है कि जेन्युइन है कि नहीं, तो आप इसमें देखेंगे, तो अगर इसमें देखेंगे यहाँ पे कॉमा वगैरह जो है कोई यहाँ पे स्पेसिफाई, यहाँ पे जो फॉन्ट वगैरह है वो ठीक से यूज़ नहीं किया, कैपिटल लेटर कहीं पे स्मॉल लेटर यूज़ कर दिए गए हैं, और अगर कोई ऑफिशियल फॉर्म होगा तो उसके नीचे प्रॉपर क्लेरिफिकेशन दी गई होगी कि इस फॉर्म को किस लिए फिल करवाया जा रहा है। इसमें आप देखेंगे कि इसमें कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है कि ये किस सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। बाकी जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम है वो तो आपको मैंने पहले बता दिया कि वो ऑनलाइन ही होंगे। तो अगर कोई फॉर्म इस तरह से आता है तो वो एसएल की वेबसाइट पर रिलीज़ किया जाएगा, अगर वो एसएल का एडमिनिस्ट्रेशन रिलीज़ कर रहा है। हो सकता है किसी स्टाफ ने बोल दिया हो, तो उसके रिगार्डिंग मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी के लिए आपकी इच्छा है तो इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। कोई और आपकी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये अवेयर कर सकते हैं कि ये फॉर्म जो आप फिल कर रहे हैं ये कोई ऑफिशियल फॉर्म नहीं है। आपकी इच्छा तो आप अपनी इच्छा अनुसार इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और कोई आपकी क्वेरी तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिखें, कोई आपका सजेशन हो तो उसको भी आप लिख सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।